हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर अपना चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि डिफरेंस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, उसकी कौन कौन सी डिफाइनिंग करेक्टर्स हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले ग्रोथ देखा था, जो एक डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस आते हैं। सेकेंड, हमने रिप्रोडक्शन देखा था, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग करेक्टर। वाई? बिकॉज देयर आर ऑल्सो एक्सेप्शंस ऑफ म्यूल्स, स्ट्राइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। अनादर करेक्टरिस्टिक देखा था अपन ने, मेटाबॉलिज्म ये एक डिफाइनिंग करेक्टर है विदाउट एनी एक्सेप्शन। नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने आगे चलते हुए देखा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में कितने सारे प्लांट्स हैं और कितनी डाइवर्सिटी है, सबकी स्पीशीज़ अलग अलग है। और उनको हमने सिस्टमेटिक व्यू में स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने, टैक्सोनॉमिस्ट ने कैसे नॉमेनक्लेचर, डिफरेंट प्रोसीजर्स, रूल्स लिखे, प्रिंसिपल्स लिखे, कि हम उनको ईजियर वे में स्टडी कर पाएँ, उनकी नेमिंग कर पाएँ और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक यूनिवर्सल नेम उसको दे पाएँ। जैसे कि पहले हैं नॉमेनक्लेचर बताया आपको, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन। बट नॉमेनक्लेचर कब होगा? जब उनको आइडेंटिफाई करेंगे हम। सबसे पहले तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, देन फिर उसके बाद उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। फिर उसके बाद आज हमें कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है? यहाँ से, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेमिंग टू नोन एंड ऑर्गेनिजम्स। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। यह सब बायोलॉजिस्ट ने एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक नेम्स देने के लिए मतलब प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा कि हम प्रॉपर जो पूरे वर्ल्ड में ऑल बायोलॉजिस्ट और ऑल टैक्सोनॉमिस्ट उसको एक्सेप्ट करें, वैसा एक प्रोसीजर, वैसा एक प्रिंसिपल्स हम ओरिजिनेट करते हैं, जैसे कि उनकी नेमिंग करने का, कि हम ईजियर वे में उनकी स्टडी कर पाएँ। तो ईच इसके जो नेमिंग होगी, उसके नेम का, ऑर्गेनिज्म के नेम का दो पार्ट होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। क्या? जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। अब आप जानते हैं कि बायोलॉजी में टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में होते ही सारे वर्ड्स ऐसे हैं, और अपन इजीली अगर अपन एक वर्ड को बायफर्केट करके खुद उसका वर्ड मीनिंग्स निकाल लें, तो और सब्जेक्ट्स के लिए और चैप्टर्स के लिए अपना थोड़ा इजी हो जाता है। अब देखो इसमें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो इस सिस्टम के अंदर ये जो सिस्टम है, जो टू कंपोनेंट्स वाला सिस्टम है, इसको हम क्या बोलेंगे? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय मीन्स टू, नॉमेनियल मतलब नेमिंग, और नॉमेनक्लेचर मतलब उसका नेमिंग। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो नेमिंग वाला सिस्टम है, ये किसने दिया है? कैरोलस लीनियस, टैक्सोनॉमिस्ट है, इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। इस साइंटिफिक नेमिंग की जो इसको है अपन को समझने के लिए अपन मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। लेट अस सी हाउ इट इज अ बायनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज और अ स्पेसिफिक एपिथेट। इस नेम के अंदर मैंजीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इंडिका है वो क्या बता रहा है? पर्टिकुलर स्पीशीज है। हो सकता है कि एक ही जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज है। आगे अब हम हायरार्की देखेंगे इसकी, कि जीनस के ऊपर स्पीशीज, ऐसे मतलब सॉरी स्पीशीज लेवल, फिर उसके बाद जीनस, फिर क्लास एंड ऑर्डर, ऐसा। तो यहाँ पर क्या है? बहुत जीनस है, एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ सकती है। तो मैंजीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी जीनस को, और इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी पर्टिकुलर स्पीशीज को।
अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। इसके अलावा और भी रूल्स हैं जो अपन को फॉलो करने पड़ेंगे व्हाइल नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। सबसे फर्स्ट, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं जनरली लैटिन ओरिजिन के होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, इटैलिक्स फॉन्ट आप जानते ही हैं वैसा। दे आर लैटिनाइज्ड और डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, या तो उनको लैटिनाइज कर दिया जाता है या ओरिजिनेट जो होते हैं वो लैटिन वर्ड में ही होते हैं। द फर्स्ट वर्ड सेकेंड, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स अ स्पेसिफिक एपिथेट। जो फर्स्ट वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को और सेकेंड कंपोनेंट डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पीशीज का जो नेम है, पर्टिकुलर स्पीशीज का नेम है वो किसको डिनोट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को। थर्ड, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये क्या बोल रहा है कि जो बायोलॉजिकल नेम है, जो दोनों बोथ वर्ड्स हैं, पहले उनको हाथ से लिखेंगे, मींस कंप्यूटराइज नहीं होने चाहिए वो। नॉर्मली अगर अपन कंप्यूटर में लिखते हैं या फिर किसी चीज़ में मतलब प्रिंट करवाते हैं, वहाँ पर लैटिनाइज मतलब इटैलिक्स फॉन्ट दिया जाएगा उनको, ताकि उनका जो लैटिन ओरिजिन है वो रिफ्लेक्ट हो। अगर हैंड रिटन लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, कैसे, जैसे कि मैंने कोई सा भी नाम, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पर आ रहा है तो हमने क्या किया, इसको अंडरलाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। फिर आ जाएगा फोर्थ, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि मैंजीफेरा का जो एम है वो तो कैपिटल में है और इंडिका का आई है वो स्मॉल लेटर में है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, और जो ऑथर का नेम है कि इस ऑथर ने इसको डिस्कवर किया है, ओरिजिनेट किया है, जिसने नेमिंग की है इसकी, वो हम क्या कब लिखेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखेंगे, दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ऑथर का नेम है ना, लिन क्या है, लीनियस, कैरोलस लीनियस। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज नेसेसरी टू डिराइव सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना नियरली इम्पॉसिबल होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपन ने एक एक स्पीशीज़ लेके हम उनको नाम देंगे तो पूरा ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ अच्छा ये इसका नाम है, ओ फिर भूल जाएंगे अपन और अपन याद भी नहीं कर पाएंगे उसको, इसलिए क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा उसका दिस प्रोसेस, और सबको कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वीनियंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं और उसके अंदर अपने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देखा जाता है, जैसे कि डॉग्स और कैट्स हैं, उनमें सिमिलर ही माना जाता है, उनको स्पीशीज अलग अलग है लेकिन उनकी, बट उनका जो जीनस है वो सेम ही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आगे लेते हैं, फॉर एग्जांपल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स ऑन डॉग्स कैट्स और इंसेक्ट। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर्स विद ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। ये ऐसा बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन जो है इसका प्रोसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो डॉग्स कैट्स और इंसेक्ट ऐसे क्लासिफाई कर लिया इनको। द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म
विद द ऑर्गेनिज्म. वेट अ मिनट. द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टन करेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. वॉट इमेज डू यू सी वेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? ऑब्वियसली each one of us will see dogs and not cats. अब यहाँ पर वो ऐसा बोल रहे कि जैसे कि अपन डॉग्स के बारे में सोचते हैं तो अपन अपने माइंड में किसकी इमेज आती है? डॉग्स की आती है ऑब्वियसली, कैट की थोड़ी ना आएगी. नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेशियन वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सिमिलरली सपोज वी वर टू सी मैमल्स, यू वुड ऑफकोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर. अगर हम एल्सेशन की बात करते हैं, एल्सेशन क्या है? ब्रीड है किसकी? डॉग्स की. तो वहाँ पर अपने माइंड में क्या आएगा? मैमल्स की. हाँ भाई मैमल है ये, जिसके क्या है? एक्सटर्नल ईयर्स हैं और बॉडी हेयर्स हैं. लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर इन ईच ऑफ आर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट. अगर अपन वीट की बात करते हैं तो अपने माइंड में किसकी इमेज बनती है? वीट की बनती है, राइस की थोड़ी ना बनती है. हैंस ऑल दीज डॉग्स कैट्स मैमल्स वीट राइस प्लांट्स एनिमल्स एट्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स. द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा. इसके लिए जो साइंटिफिक वर्ड यूज किया जा रहा है वो क्या है? टेक्सा. ये जो हमने कैटेगरीज बना रखी है, क्या डॉग्स कैट्स मैमल्स वीट, इनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है टेक्सा. बिग कैट्स हैं, बिग कैट एक टैक्सा है, मैमल्स एक टैक्सा है, ठीक है. हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल. प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा. सिमिलरली एनिमल्स मैमल्स डॉग्स आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स. देयरफोर animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. अब taxa जो है ना वो universally word है, ठीक है. अपन उसको किसी भी dogs के लिए या फिर mammals के लिए, अब ये ऐसा बोल रहे कि dogs जो आते हैं वो mammal हैं, mammals क्या हैं? animals हैं. तो अगर अपने mind में animals की आती है, mammals की है, तो ये तीनों किसको represent कर रहे हैं? taxa को represent कर रहा है. एनिमल एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है, मैमल्स एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है और डॉग्स अदर टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है. हैंस बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. और करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट टैक्सा के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, है ना. टैक्सा का क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी. इज इट सिंपल? यस. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज. व्हाट दिस इज सेइंग कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल और द डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या हैं? एसेंशियल हैं. किसके लिए? मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए, नेमिंग करने के लिए, कॉमन करेक्टर्स फाइंड करने के लिए. हैंस characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basis to taxonomy. Basic क्या है taxonomy का? वो इसमें बता रखा है क्या? Characterization. हम characters find करेंगे, जो common characters हैं वो find करेंगे, ठीक है. Then identification करेंगे, फिर क्या करेंगे? Identification करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे? Characterization करेंगे, देन आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देन क्लासिफिकेशन करेंगे एंड देन नॉमेनक्लेचर.
सबसे पहले तो हमने करेक्टर्स फाइंड किया, मतलब आइडेंटिफाई किया किसी को, लेकिन आइडेंटिफाई किसके बेसिस पे करेंगे? करेक्टर्स के बेसिस में ना। तो करेक्टराइजेशन किया, फिर उसका आइडेंटिफाई किया कि अच्छा इसके जैसा कोई और प्लांट है या नहीं है, है तो हमने सेम स्पीशीज़ के अंदर रख दिया, है कुछ कॉमन करेक्टर्स मिल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट स्पीशीज़ हो गई, फिर उनको क्लासीफाई कर दिया सेम जीनस के अंदर उनको क्लासीफाई कर दिया और फिर देन उसकी नेमिंग कर दी। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी कोई नया नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। ह्यूमन बींग्स, आपको पता है ह्यूमन बींग्स बहुत क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को जानने की, लेकिन जो मतलब का नहीं होता ना वो जानना पहले चाहते हैं लोग। सो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है ह्यूमंस की, और बढ़ती ही है। अब छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा क्यूरियस होता है हर चीज़ को लेकर, और वैसे ही जब कोई एजुकेटेड पर्सन होता है वो भी हर चीज़ को जानना चाहता है। तो यहाँ पर क्या है, जो टैक्सोनॉमी है वो कोई अभी नई बात नहीं है, वो बहुत पहले से चली आ रही है। हाँ, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़, और पर्टिकुलरली उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना पसंद करेगा वो जो खुद के यूज़ की होती है। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, वैसा ही। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। अर्ली डेज में क्या ह्यूमन बींग्स ज़्यादा सोर्सेज ढूंढते थे। पता है कि पहले जब ह्यूमन्स का इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ ही था तब डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया था। कहाँ पर? मीज़ोलिथिक एज के अंदर ये डोमेस्टिकेशन करते थे। तो क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये क्या है? बेसिक नीड्स है। हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ? यूजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे हुआ। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity but also the relationship among them. Human beings जो हैं बहुत पहले से ही सिर्फ नाम जानने में ही इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर उनकी डाइवर्सिटी ही नहीं, वो ये भी जानना चाहते थे कि वो अपन से रिलेट कैसे कर रहे हैं, अपन को क्या बेनिफिट है उसका। अपन डोमेस्टिकेशन करेंगे, अपन मान लो हैन लेके आए पाल रहे उसको, लेकिन पाल क्यों रहे हैं? ऐसे तो ना पाल रहे, खाते हैं उसका मीट बाद में। इसलिए दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू सिस्टमेटिक्स, और इसी ब्रांच ऑफ स्टडी को क्या कहा जाता है? सिस्टमेटिक्स। The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. जो systematic word है वो कहाँ से आया है, derive कहाँ से हुआ है? Latin word से। यहाँ पर biology के अंदर maximum जो word use हो रहे हैं वो Latin word use है। तो कहाँ से originate हुआ है वो? Systema से। Systema का मतलब क्या होगा? Systematic arrangement of organisms। तो लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशंस। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक, जो स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स है, लीनियस ने अपनी बुक लिखी थी, बुक पब्लिश की थी, और उसका टाइटल क्या रखा था? सिस्टमा नेचुरी। स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक है वो बाद में मतलब उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया क्या क्या? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। क्लासिफिकेशन जो है वो क्या सिर्फ सिंगल स्टेप नहीं है, वो क्या है? बहुत सारी हायरार्की ऑफ स्टेप्स को फॉलो करता है। उसको अपन को फॉलो करना पड़ेगा क्या करने के लिए? क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो और जो ईच स्टेप है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? रैंक और कैटेगरी को। कि जो क्लासिफिकेशन का एक स्टेप है वो एक रैंक है, एक कैटेगरी है। ठीक है, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट जो है, कैटेगरी क्या है? सिर्फ पार्ट है किसका? ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का।
जिसको क्या कहा गया है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा गया है। और सारी कैटेगरीज को टुगेदर अगर अपन मिलाएं तो उसको क्या हो जाता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। मींस सबसे पहले अपन ने क्लासिफाई करने गए अपन किसी प्लांट को, ठीक है, उसके लिए हम अपन को बहुत सारे जो है वो प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसका जो एक स्टेप है उसको अपन ने क्या बोला, रैंक और कैटेगरी, ठीक है। अगर अपन ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट की बात करें तो उसके अंदर जो कैटेगरी है, एक कैटेगरी है वो क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और अगर अपन सारी कैटेगरीज को मिला के बात करें तो वो क्या है, एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन, प्लूरल में टेक्सा बोलेंगे, ठीक। ईच कैटेगरी जो है वो क्या रिफ़र करती है, एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बताती है, ये क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। और इनफैक्ट वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रैंक रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, या फिर टैक्सा। मैंने बताया कि इतनी सारी कैटेगरीज है, डॉग्स है, डॉग्स एक टैक्सा है, मैमल्स एक टैक्सा है, या फिर प्लांट्स है, प्लांट्स भी एक टैक्सा है, ठीक है। वैसा सिंगुलर होगा तो टैक्सॉन, प्लूरल की बात करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की को एग्जांपल से समझेंगे अपन। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो कि एक कॉमन फीचर शेयर कर रहे हैं, क्या, थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट जो होते हैं उनमें अप्रॉक्स सिक्स लेग्स होते हैं, मतलब थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। इट मींस इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और अ कैटेगरी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो मतलब क्या इंसेक्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम क्लासीफाई करेंगे बहुत सारी स्पीशीज़ के अंदर, या फिर वो एक गिवन रैंक है, एक कैटेगरी है। वो अपन ने सारे ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, बहुत सारे करेक्टर्स नहीं, उनमें से एक करेक्टर लिया, क्या, लेग्स। लेग्स क्या है, इंसेक्ट के अंदर कॉमन क्या होता है, छः लेग्स होते हैं, छः पैर होते हैं। कोई सा भी कॉकरोच देख लो, कोई सा भी इंसेक्ट देख लो, उनमें कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करती है, कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और कैटेगरी फर्दर क्या डिनोट करती है, रैंक को डिनोट करती है। ईच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और ईच रैंक और टैक्सोन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को करता है। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं या फिर कैटेगरीज हैं, जो कैटेगरीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो किसको डिनोट करता है, रैंक को। कैटेगरी किसको डिनोट करती है, रैंक को। और टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज हैं ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज है, अलग अलग एक एक बायोलॉजिकल एंटिटी, एंटिटी मतलब उसके जो एसेट होता है ना, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स ही नहीं है वो, लेकिन बायोलॉजिकल एंटिटी है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम। टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो है ऑफ ऑल द नोन ऑर्गेनिज्म, उनको उन्होंने क्या कॉमन कैटेगरीज मिला के क्या किसका डेवलपमेंट किया, किंगडम का। किंगडम बनाया, फिर उसके बाद फाइलम आया, या फिर किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फॉर प्लांट्स की बात करते हैं तो हम फाइलम या डिवीजन यूज़ करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ किंगडम यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाएगा क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड स्पीशीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। सारे ऑर्गेनिज्म जिसकी जो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट का फाइलम हो या फिर एनिमल का किंगडम हो, उनके अंदर सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या होगी, क्या होगी, स्पीशीज होगी। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, फिर आप पूछ सकते हैं कि कैसे प्लेस करेंगे हम ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज में, किसके बेसिस पे। तो इसके लिए हमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी,
क्या? नॉलेज ऑफ करेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले अपन एक इंडिविजुअल के अंदर उसके क्या कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे और देन उसकी पूरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर करेंगे। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्या हेल्प करेगा आपको? यह सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ एक इंडिविजुअल के अंदर उसको आइडेंटिफाई करने में करेगा, और फिर हम ही तो उसी के बाद तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे कॉमन करेक्टर्स और अनकॉमन करेक्टर्स के बेसिस पे ही तो हम उसको सेम स्पीशीज़ के अंदर रखेंगे या फिर सेम जीनस के अंदर रखेंगे। इसके बाद हम एक एक करके सबको देखेंगे, पहले स्पीशीज़ को, जीनस को, फैमिली को, देन फिर उसके बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम। चैप्टर तो बड़ा है बट ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 30-30 मिनट्स की, एक्चुअली मुझे लगता है कि 30 मिनट्स की स्टडी पहले इनफ होती है, देन फिर उसके बाद आप ब्रेक लेके फिर वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वीडियोस तो इतने ही बनेंगे, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट कल से कहाँ से पढ़ेंगे? स्पीशीज़ से। ओके, थैंक यू, बाय बाय।